मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज हो गया है सैटरडे। और आज आपको वीडियो क्वालिटी अलग आएगी क्योंकि मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जो मेरा नया वाला फ़ोन है। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत नुकसान हो गया है मेरा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और मूड ख़राब हो गया मेरा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अभी नोनू जो है नहा के आ गया है, उसको तैयार कर दिया मैंने। नोनी, बस अब उसका काम शुरू हो गया। एक्चुअली मेरी हाउस हेल्पर अभी आई नहीं है ना, तो झाड़ू पकड़ के इधर उधर घूम रहा है। झाड़ू मैं अंदर रख देती हूँ क्योंकि मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ सुबह में। उसको खेलना है ट्राईपॉड के साथ या तो उसको झाड़ू लगाना है, ये दो काम इसको बहुत पसंद है। ट्राईपॉड बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक्चुअली क्या हुआ, मैं कैमरे से व्लॉगिंग कर रही थी मॉर्निंग में और मैंने ट्राईपॉड पर लगाया हुआ था कैमरा, और ये ट्राईपॉड जो है ना कितनी बार गिर चुका है स्वास्थ्य की वजह से, ये बार बार गिरा देता है। तो ये मतलब इसके ना जो वो होता है पुर्जे वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है। और इसको एक 1.5 साल पहले मैंने मंगाया था, लेकिन ना इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बार बार गिर के। तो इस वजह से ये कैमरा का वेट हैंडल नहीं कर पाया और कैमरा के साथ ही ये गिर गया। तो कैमरा मैंने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था और मैं किचन की तरफ जा रही थी, मैंने यहाँ पर रखा हुआ था और वो पूरा ही कैमरे के साथ नीचे गिर गया। लकीली कैमरे मतलब कैमरा बॉडी को कुछ नहीं हुआ। जो मेरा लेंस है वो लेंस का साइड में यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ना क्रैक आ गया है। तो लेंस, थैंकफुली लेंस को कुछ नहीं हुआ, बस लेंस की जो बॉडी है साइड में यहाँ पे क्रैक आ गया। लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसको मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर सकती हूँ। ये एज इट इज़ बना हुआ है, मतलब जितने पे मैंने ओपन किया था उतने पे ही ये बना हुआ है। मैं इसको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकती, ये घूम ही नहीं पा रहा है इसमें क्रैक आने की वजह से। तो इसकी जो 2 साल की वारंटी थी, लेकिन मैं वारंटी रजिस्टर नहीं कर पाई थी। पता नहीं मैं इतना टाइम क्यों नहीं निकाल पाई। अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझे वारंटी रजिस्टर कर लेनी चाहिए थी। तो अगर वारंटी में होता तो क्या पता ये रिपेयर हो जाता। तो अभी हस्बैंड जो हैं आ रहे हैं कोटा से वापस और वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आज वो बस से आ रहे हैं, एसी बस जो होती है, तो पूरी रात ट्रैवल करके वो आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा था अच्छा सा नाश्ता वगैरह कुछ बनाएंगे उनके लिए। तो लेकिन सुबह सुबह कैमरा ने ना मूड ख़राब कर दिया, दिन ख़राब हो गया मेरा। लेकिन अभी देखते हैं वो आएंगे, फिर हम जाएंगे इसको दिखाने के लिए कि इसका क्या हो सकता है आगे। फिलहाल अभी मैं तब तक फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करूँगी। और मैंने अभी मैं सोच भी रही थी कि मुझे नया ट्राईपॉड लेना है क्योंकि कैमरा हैवी है बहुत, और कैमरे का वेट जो ये ट्राईपॉड है ना हैंडल नहीं कर पाता है क्योंकि कैमरा बार बार टूटता भी, मतलब ये ट्राईपॉड जो है बार बार गिर चुका है और ट्राईपॉड का वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, लाइट वेटेड है। तो मुझे हैवी वेट ट्राईपॉड चाहिए था इसके लिए। लेकिन सोच ही रही थी, बस सोचते रह गई और सोचते सोचते क्या हो गया। तो देखते हैं, किसी भी चीज़ का दुख नहीं करना चाहिए, हो तो जाएगा, या फिर नया लेंस लेना पड़ेगा। और लेंस तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। जस्ट 1 महीना हुआ था मेरे कैमरे को आए हुए, अब पता नहीं क्या होगा। देखते हैं, मैं अपडेट करूंगी, तब तक मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करूंगी। फिलहाल नोनू के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद मिस्टर राहुल भी पहुँचने वाले होंगे, उनके लिए भी नाश्ता बनाना है। तो आलू पूरी बना रही हूँ उनकी फेवरेट में, मन खराब हो गया। लेकिन चलिए करते हैं, दिन तो शुरू करना पड़ेगा। नोनी बेटी, कौन आया? उतरो। कौन आया बेटा? नानी के पापा आ गए, नानी के पापा आ गए। हेलो बोल दो, पापा को जय करो। तो मिस्टर रावत करीबन 9:30 बजे पहुंच गए थे, और जैसे ही वो आए उसके बाद वो शार लेने के लिए चले गए थे। और मैंने यहाँ पे इस बीच नाश्ता तैयार कर लिया है, तो गरम गरम पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी तरी वाली, ये उनका बहुत फेवरेट नाश्ता होता है हमेशा का। तो इसलिए आज उनका बढ़िया सा फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने। और चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी करीबन 11 या 12 बज रहे हैं, तो सब रिलैक्स मूड में है क्योंकि घर के सारे काम निपट गए हैं और मुझे इसके बाद लंच बनाना है। लेकिन अभी फ्रूट्स टाइम हो गया है हमारा, तो मैं यहाँ पे अंगूर लेके आई हूँ। और अंगूर ना इस सीज़न में हमने बहुत खाए हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं मुझे, काले वाले भी अच्छे लगने लगे। लास्ट सीज़न में मैंने उतने अंगूर नहीं खाए थे, लेकिन इस सीज़न में बहुत अंगूर मैं लेके आती हूँ। मतलब हम दूसरे या तीसरे दिन अंगूर ले आते हैं, अंगूर और केले दो फ्रूट्स हमारे घर में बहुत खाते हैं आजकल। तो सबको अच्छे लगते हैं, नोनू को भी अच्छे लगते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं ना खिलाने में, तो इसीलिए अंगूर सही रहते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स टाइम चल रहा है और कैमरे के बारे में ही डिस्कशन चल रहा था कि क्या होगा,
मैं थोड़ा बहुत टेंस तो थी, लेकिन वही हस्बैंड कह रहे थे कि अब टेंशन लेके क्या करना है, जो हो गया सो हो गया, बाकी इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। 12 बज गए हैं, यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और 2 सीटी आ चुकी है, एक सीटी और लगाऊंगी अच्छे से दाल गल जाएगी। और राइस भी मैंने चढ़ा दिए हैं, साथ ही कल की लेफ्ट ओवर सब्जी है आलू बैंगन की, इसमें और ये जो चावल की खीर मैंने बनाई थी ना लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो थोड़ी सी वो भी बची हुई है, वो भी दोपहर में खा लेंगे। और मॉर्निंग में जो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी ये भी बची है। ये सारा लेफ्ट ओवर फूड है, वही सब हम यूटिलाइज कर लेंगे। और लाइट जो है ख़राब है, तो इसकी वजह से मुझे रिंग लाइट में शूट करना पड़ रहा है और मैं किचन का कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। बल्ब लेने के लिए गए थे हस्बैंड अभी, लेकिन ना वहाँ पे मिला नहीं और कुछ शॉप में था नहीं, तो इस वजह से लेके नहीं आए। शाम को जाएंगे हम अभी दोबारा, फिर लेके आएंगे। फिलहाल मैं नोनू को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। और नोनू के काम ये देख लो आप, मिस्टर राउत के जूते यहाँ पे लाके उसने फेंक दिए। ये वाली दरी जो है नोनू ने गंदी कर दी थी, तो मैंने आज वॉश की है। और ये डोर जो है मैंने लॉक किया है क्योंकि मिस्टर राउत अंदर रेस्ट कर रहे हैं, नोनू बिल्कुल भी सोने नहीं। और वो ना कल शाम 4 बजे निकले थे कोटा से बस में, तो फिर बस में ना बस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर गर्मियों में, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं वो। करीबन 12 या 14 घंटे की पूरी जर्नी रही उनकी और बहुत ज़्यादा वो थक गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सो जाओ, मैं हाथ से लॉक कर देती हूँ और नोनू को मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है। नोनी बस इसने कैबिनेट में से सामान निकाल निकाल के फेंकना शुरू कर दिया है और पापा की फोटो निकाल के ले आया। पापा पापा है बेटा, लेंस का पता करवाया था मिस्टर राउत ने कि वो रिपेयर होगा या नहीं होगा, तो शोरूम वाले कह रहे हैं कि वो रिपेयरेबल नहीं है और उसकी जगह आपको नया लेंस लेना पड़ेगा। तो लेंस का ग्लास जो है वो नहीं टूटा है, सिर्फ जो जूम इन और जूम आउट करते हैं जहाँ से लेंस घूमता है वो नहीं हो पा रहा है, तो अब नया लेना ही पड़ेगा। लेकिन ना बहुत ज़्यादा महंगा आता है, आपको पता होगा कैमरे के लेंसेज बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, कैमरे में सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ वही होती है और वही ख़राब हो गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जस्ट 1 महीना पहले मैंने कैमरा लिया था और आज ऐसा हो गया है, और ये सब हुआ है बेकार ट्राईपॉड की वजह से। तो ट्राईपॉड मैंने मंगा लिया है, लेकिन कैमरा का लेंस अभी मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने इतना कॉस्टली कैमरा लिया था, और इतनी जल्दी मैं दूसरा लेंस लूँ ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बजट नहीं होता है उतना। तो अब भी कुछ टाइम तक, आने वाले कुछ टाइम तक तो मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करूँगी, अब आपको फ़ोन से ही ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इस चीज़ की, लेकिन लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लास्ट ईयर में बहुत, मतलब लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा खुश थी जब मेरा कैमरा आया था, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज मेरा कैमरा आया पहली बार और 1 महीने के अंदर ऐसा हो गया। तो कोई बात नहीं, नया लेंस लूँगी मैं, लेकिन बाद में लूँगी, फिलहाल तो फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। जब मेरा बजट हो जाएगा उसके बाद ही मैं नया लेंस ले पाऊँगी। गुड इवनिंग, अभी शाम के 5 बज गए हैं और रावत फैमिली जो है ना तैयार हो गई है मार्केट के लिए। मार्केट मतलब कि हम लोग जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे पैसिफिक मॉल, नोनू के समर वेयर्स लेने हैं। इसके समर वेयर्स घर पे पहनने के लिए पजामे नहीं है, जितने भी थे ना अभी तक इनर वेयर में इसको पहना रही थी सर्दियों वाले पजामे गर्म वाले, लेकिन अब वो गर्म करते हैं। कॉटन की टी शर्ट्स और कॉटन के पजामे इसके लिए देखने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो थे सब छोटे हो गए, वो मैंने दे दिए किसी को, और उसके अलावा एक दो ही टी शर्ट हैं घर पे पहनने के लिए, और पजामे तो इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि मैं इसको डायपर नहीं पहनाती हूँ ना, कम पहनाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पहनाती, कभी कभी पहनाती हूँ, तो फिर जब इसको डायपर फ्री रखो तो बहुत ज़्यादा गीला कर देता है, तो इस वजह से चेंज करने के लिए तो चाहिए होता है ना, बच्चों के साथ कपड़े बहुत लगते हैं। तो हम लोग चलिए आउटिंग करके आते हैं, घूम घाम के आएंगे बढ़िया से। दिखाओ तो, ये दोनों तैयार हो गए हैं, स्कूटी की चाबी और स्कूटी की चाबी कार की चाबी सब नोनू फेंक देता है इधर से उधर, हमें ढूंढनी पड़ती है स्कूटी की चाबी कार की चाबी प्लस टीवी का रिमोट, ये 3 चीज़ें ना घर पे आजकल इजीली मिलती नहीं है। संडे है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे, और चलिए हम लोग भी चलते हैं मॉल के अंदर। हेलो,
शॉपिंग हो गई हमारी और अब हम जा रहे हैं घर को। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और बहुत शोर भी हो रहा है। चलिए, आज बैसाखी पे यहाँ फंक्शन है ना, तो उसकी वजह से। तो करीबन 6 बज गए हैं, हम वापस आ गए हैं 1 घंटे के अंदर, और इतना ज़्यादा रश हो रहा था मॉल के अंदर। एक तो बैसाखी पे कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे और वैसे भी आज वीकेंड था, तो इस वजह से भी कराते ही उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी है। मैंने उसको मखाने दे दिए थे रोस्टेड वाले, वैसे वो रोस्टेड मखाने कम खाता है, तो मैंने क्या किया ना, इसमें जैगरी पाउडर मिक्स कर दिया ताकि उसका थोड़ा सा मीठापन उसे लगे और वो खा ले। वो खाता ही नहीं है मखाने। और यहाँ पे रख दी है मैंने चाय चढ़ा दिए, और उसके बाद जो है वो लेके आए हैं चिकन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन रोटी, रोटी बनाएंगे वैसे, और आज का हमारा डिनर यही रहने वाला है। नोनू के लिए मैं दलिया वगैरह बनाऊंगी, उसके लिए मुझे बनाना है अलग से। तो चलिए सबसे पहले चाय पी लेते हैं। और नोनी की शॉपिंग हुई है, हमारे लिए कुछ नहीं आया है। मैं अपने लिए देख रही थी टॉप्स वगैरह, कुछ भी अच्छे नहीं थे, तो सिर्फ नोनी के लिए घर में पहनने के लिए समर वेयर्स आए हैं 2-3। तो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले चाय पी लेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? इसे पता हम इसमें दूध की बोतल डाल के बाहर टांगते हैं स्कूटी में, तो इसीलिए इसने निकाल ली है और अभी तैयार हो गया है। और यहाँ पे मिस्टर रावत कर रहे हैं आज कुकिंग। हेलो मिस्टर रावत। पूरे 2 घंटे सोने को मिला है आज इनको नोन की वजह से। और यहाँ पे ये बना रहे हैं चिकन। कौन सा चिकन है? कौन सा? पेशावरी चिकन। तो आज रावत के हाथों का चिकन खाएंगे हम। और मैं आपको बता दूं, कल इनको फिर से जाना है ऑफिशियल टूर पे, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, और सिर्फ 2 दिन वहाँ रह के आए कोटा में, और अब वो जा रहे हैं इलाहाबाद। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसे आजकल ना गर्मी सब जगह बढ़ गई है। कोटा में भी बहुत गर्मी थी और अब इलाहाबाद में भी गर्मी है, यहाँ भी बहुत गर्मी हो रही है ना। पैसिफिक उस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, और गर्मियों में तो ऐसा मन करता है ना घर से बाहर निकलो ही ना, घर के अंदर ही अच्छा लगता है। तो नोनू के कपड़े लेने थे, इस वजह से जाना पड़ा। और इसके लिए हम क्या क्या लेके आए हैं वो मैंने दिखाया ही नहीं, अभी टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। उससे पहले बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है, सबसे पहले घर समेटती हूँ। नोनू के लिए मुझे दलिया बनाना है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। अभी 8:30 बजने वाले हैं और नोनू के लिए मैंने दलिया चढ़ा दिया है, पूरा घर समेटा, और इन सब चीज़ों में 1 घंटा लग गया। नोनू के लिए क्या आया है? पहले नोनू के लिए मुझे टी शर्ट्स चाहिए थी, तो ये है इनका साइज़ मैं बताती हूँ, 12-18 मंथ वाले मैंने लिए हैं। एक टी शर्ट ये है, लाइफस्टाइल हम लोग गए थे और लास्ट टाइम भी हम लाइफस्टाइल से लेके आए उसकी टी शर्ट, तो काफ़ी अच्छी मिली थी। हम फिर से ले आए, वहाँ पे ऑफर चल रहे थे 2 get 1 free। तो एक टी शर्ट ये कलर है, ये कलर है येलो कलर, बहुत ज़्यादा शैतानी कलर है इसलिए मैंने यहाँ बैठा दिया इसको। दूसरा कलर ये है येलो, येलो में इसके पास नहीं था, और इन सब में ना बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट बने हुए हैं, तो इसकी वजह से मुझे और भी अच्छे लगते। और एक है ये इस तरह से, आई थिंक ये 18-24 मंथ आ गया है बड़े साइज़ का, कोई बात नहीं है नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा। और ये 3 टी शर्ट 2 get 1 के ऑफर पे मिली हैं। उसके अलावा 2 पजामी लेके आए हैं, कॉटन के पजामी नोनू के लिए चाहिए थी, 2-3 पहले से रखी हुई हैं, तो मैं 2 और ले आई। एक येलो कलर, लेकिन येलो कलर ऐसा है ना ये बहुत जल्दी गंदा कर देगा, मिट्टी में खेलता रहता है, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं लगे मुझे वहाँ पे। तो एक ये कलर कॉम्बो में मिल रहे थे ना, तो एक येलो कलर और एक ब्लू कलर 2 पजामी इसके लिए लेके आई हूँ मैं। ये 599 के मिले हैं मुझे, 6-12 मंथ है इनका साइज़, फिर भी ये काफ़ी बड़े लग रहे थे तो इसलिए ले आए। ये है नोने की शॉपिंग, मिक्की, इसमें मिक्की बनी है। तो नोने के लिए आ गए हैं कपड़े गर्मियों के। मॉर्निंग, आज हो गया संडे, सुबह के 9 बजने वाले हैं, और मैं करीबन 7:30 बजे उठी हूँ। आज उठने में लेट हो गया क्योंकि नोनू कल रात को ना 11 बजे सोया, इतनी देर तक ये भागता रहा, और इसके चक्कर में फिर नींद नहीं आई, मतलब इसने सोने नहीं दिया, नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, सोने ही नहीं दिया। तो 11 बजे करीबन ये सोया है, उसके बाद फिर हम सोए और फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाई। मैं वैसे 6:30 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज मैं 7:30 बजे उठी, और फिर उसके बाद मैंने नोनू के कपड़े वॉश किए और शार लेके आ गई हूँ, दिया बत्ती कर लिए, मंदिर क्लीन किया था, और आज चाय नहीं पी है मैंने अभी तक क्योंकि आज हमारा दूध नहीं आया है, क्योंकि सोसाइटी का गेट खुल नहीं पाया था जल्दी, और वैसे भी दूध वाला जो है 6 बजे से पहले ही आ जाता है, तो इतनी जल्दी कोई उठता नहीं है ना। तो आज हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो कहीं गए हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है, जब भी वो कहीं जाते हैं ना दूध नहीं आता है हमारा,
तो अभी मिस्टर रावत गए हैं शॉप में दूध लेने के लिए, क्योंकि जो दूध बचा है वो थोड़ा सा ही है, और नोनू को मैं आजकल वही काव मिल्क देती हूँ, पैकेट वाला मैंने उसे अभी तक दिया नहीं है, आई डोंट नो कि वो पिएगा या नहीं पिएगा, तो इसीलिए मैं उसकी चाय नहीं बना रही हूँ, वो मैंने नोनू के लिए बचा के रखा हुआ है। तो अभी वो दूध लेके आ जाए, उसके बाद चाय वाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, और 11:30 बजे मिस्टर रावत को निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रयागराज की फ़्लाइट है उनकी करीबन 2:30 बजे की। नोनू पापा आ गए, आपके पापा आ गए, कालू मदारी देख रहा है। पापा के नाम से ना नोनू जल्दी से उठ जाता है, पापा कहाँ है, बाल इसके बहुत मैसी हो रहे हैं क्योंकि नोनू अभी सो के उठा है। ये देखो पापा की परी, बेटा आपने नहाना है आप, ठीक है। तो मिस्टर रावत जो है ये ले आए, आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये रहने वाला है बन, और पपाया आया है नोनी के लिए, और ये काव मिल्क मिल गया, 2 पैकेट को लिया है, एक से तो ही जाता। ये देखो यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, क्योंकि नोनी ने कब पहने हैं नए कपड़े। जय बस, ये देखो ब्रो, नरू नए कपड़े दिखाओ, स्मार्ट लाइक मॉम, वाओ नानी के प्यारे कपड़े, ये देखो जैसे हम करते हैं ना। तो अभी करीबन 11 बज गए हैं और हस्बैंड की टैक्सी आ चुकी थी बाहर, तो वो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और वो रेडी हो गए हैं, तो सूटकेस वगैरह तो उनका हमेशा पैक ही रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेड टाइडी अप करूँगी बाहर वाले रूम में। हो गया मिस्टर रावत अब निकलेंगे, उनका लंच हो गया है, और जाने से पहले उनको खिलाऊंगी गुड़, क्योंकि निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए जब आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो गुड़ खाएंगे। और नोनू को अब संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो पापा के पीछे ही भागता रहेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। नोनू आप भी जय करो, जय वेरी गुड बेट, नोनू पापा को बाय बोलो। करीबन 1:45 और हमारा लंच हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग मैंने बन खाया था सिर्फ, तो भूख लग गई थी, तो मैंने करीबन 12:30-1 बजे लंच कर लिया था। नोनू को मैंने 1 बजे खाना खिलाया, वो कोटा से कल ही आए थे और आज ही उनको जाना पड़ा अलाहाबाद, क्योंकि वैसे तो वो कोटा में ही रहने वाले थे 5-6 दिन, लेकिन कुछ ज़रूरी काम पड़ गया ऑफिस का, तो इस वजह से उनको प्रयागराज जाना पड़ा है। और कोटा मतलब कोटा से फ़्लाइट नहीं होती है, जयपुर से फ़्लाइट नहीं थी इलाहाबाद के लिए, तो फिर उनको बीच में एक मौका मिला घर आने का, तो वो एक दिन के लिए घर आ गए। काफ़ी अच्छे से आउटिंग भी हो गई हमारी, और फिर यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट थी, अच्छी बात यह थी कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई थी इलाहाबाद की ना, तो इसलिए इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा इतनी गर्मी में, तो इसीलिए वो देहरादून आए एक दिन के लिए, और फिर यहाँ से वो गए इलाहाबाद। शाम के 5 बज गए हैं और मिस्टर रावत वहाँ पहुँच गए हैं, और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। नोनू बीच में 2 घंटे सोया था, मेरा डिनर भी बन गया है एक्चुअली, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये बन रहा है पालक और एग। हमारे लिए मैंने बनाया है पालक एग, और उसके अलावा पापड़ मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं, तो अब मैं चाय बनाती हूँ, चाय के साथ चाय पापड़ हम लोग इंजॉय करेंगे। नोनू को मैंने बनाना खिला दिया है, बज गए हैं रात के 8, और नोनू को मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे बैठा है। हम लोग बाहर से काफ़ी देर घूम के आए, वॉक करके आए, और बस मुझे रोटी बनानी है, डिनर तो बना हुआ रखा है। तो मिस्टर रावत भी पहुँच चुके हैं इलाहाबाद, लेकिन वीडियो कॉल नहीं हो पा रही आज, क्योंकि न्यूज़ में आपने देख ही लिया होगा, वहाँ पे आर्टिकल 144 लगा हुआ है, जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा सख्ती है और इंटरनेट भी बंद है। तो थोड़ी देर पहले इंटरनेट बंद हो गया तो वीडियो कॉल नहीं हो पा रही है, तो आई डोंट नो कि कब होगा। फिलहाल आगे के कुछ दिन थोड़े से टफ रहने वाले हैं और जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई डोंट नो कि कितना बड़ा है कितना छोटा बड़ा है, मैं कल से शूट ही करे जा रही हूँ और टाइम नहीं हो पा रहा है एडिट करने का। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।